दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पतंजलि सतावर चूर्ण के बारे में। आज की इस वीडियो में आपको सतावर चूर्ण के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है, यानी डिटेल्स में इसका रिव्यू करेंगे, इसके आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, इसको यूज करने का यानी इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं या फिर नहीं, इसे कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है, इसका प्राइस क्या है ये, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, तभी आपको हर एक बात की जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इसके प्राइस से। दोस्तों इसका प्राइस ₹160 है, जो आपको 100 ग्राम की प्लास्टिक की पैकिंग में मिलता है, जैसा कि आप वीडियो पे देख पा रहे हैं, और इसे आप पतंजलि के किसी भी स्टोर से बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वहां अवेलेबल नहीं होता है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर ऑनलाइन खरीदने की लिंक भी दी हुई है, जिसके जरिए आप घर बैठे बैठे भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर बात करें कि ये सतावर चूर्ण दिखता कैसा है तो मैं आपको इसे खोल के दिखा देता हूँ, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या फायदे मिलते हैं महिला और पुरुष दोनों के लिए। तो देख लीजिए इस तरह का दिखता है सतावर चूर्ण। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा, इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफी बढ़िया है। तो चलिए फिर अब बात करते हैं इसके मेन टॉपिक पर कि इसके आपको क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं। अगर आप महिला हैं या पुरुष हैं, आपका शरीर काफी दुबला पतला है, बहुत ज्यादा कमजोर है, कितनी कोशिशों के बाद भी आपका शरीर जो है वो नहीं बन पाता, शरीर में मांस नहीं चढ़ता, अपने दुबले पतलेपन को लेकर काफी परेशान रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सतावर चूर्ण के इस्तेमाल से आपका वजन भी जो है वो बढ़ता है। यानी अगर आप महिला हैं या पुरुष हैं और आपका वजन जो है वो कम है, तब आप सतावर चूर्ण को ले सकते हैं, इससे आपका वेट भी गेन होता है। खास तौर पर जो महिलाएं दुबली पतली हैं, उनको सतावर चूर्ण का इस्तेमाल करके इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। मात्र सतावर के इस्तेमाल से उनको इसका काफी बढ़िया फायदा जो है वो देखने को मिलता है, और इसके साथ ही ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करती है। अगर आपको थकान सी बनी रहती है, पूरे दिन शरीर में एक सुस्ती सी छाई रहती है, बार बार छोटे बड़े रोग जो हैं वो होते ही रहते हैं, तो सतावर चूर्ण के इस्तेमाल से काफी बढ़िया फायदा देखने को मिलता है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है और आप काफी स्वस्थ रहते हैं। अगर बात करें महिलाओं की, तो अगर किसी महिलाओं की ब्रेस्ट है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुई है तो भी वे सतावर चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको इसका बढ़िया फायदा जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद जिन महिलाओं को ब्रेस्ट मिल्क की कमी होती है, यानी जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, अगर उनके दूध की कमी है, दूध कम मात्रा में बनता है, तो भी वे सतावर चूर्ण का उपयोग कर सकती हैं, जिससे उनके दूध की कमी जो है वो दूर होती है और दूध की वृद्धि होती है। इसके अलावा किन किन महिलाओं को लिकोरिया यानी सफेद पानी की जो समस्याएं होती हैं, उनमें भी सतावर चूर्ण का इस्तेमाल जो है वो काफी लाभकारी होता है। इसके अलावा तनाव को दूर करती है और माइंड को फ्रेश और तरोताजा रखने में सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा पुरुषों में काम इच्छा की कमी या फिर किसी भी प्रकार की कमजोरी, धातु की दुर्बलता, तो इस टाइप की किसी भी प्रकार की समस्याओं यानी प्रॉब्लम में इसका जबरदस्त फायदा जो है वो देखने को मिलता है। अगर किसी को अनिद्रा यानी नींद न आने की समस्या है, यानी एक अच्छी नींद नहीं आ पाती, तो इसमें भी सतावर चूर्ण का इस्तेमाल फायदेमंद रहता है। और इसके अलावा सतावरी माइग्रेन से होने वाले असहनीय सिर दर्द से भी छुटकारा दिलाने में सहायता करती है। दोस्तों सतावरी जो है वो हड्डियों के लिए भी फायदेमंद रहती है, क्योंकि सतावरी में कैल्शियम भी पाया जाता है, जो हड्डियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है, क्योंकि कैल्शियम हड्डियों के विकास, हड्डियों के निर्माण और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं जैसे ऑस्टियोपोरोसिस से भी बचाव करता है। इसके अलावा अगर आपको जो शरीर में सूजन होती है, उस सूजन को भी कम करने में सतावरी फायदेमंद है। इसके साथ ही साथ सतावरी हार्ड यानी दिल को ताकत देने का काम करती है, मसल्स को स्ट्रांग बनाती है, यानी हार्ट की मसल्स जो वीक है उन्हें स्ट्रांग करना, खास करके ऐसे लोग
जिन्हें कुछ ऐसी बात पर बहुत ज्यादा डर लगता है और हार्ट बीट बहुत तेजी से बढ़ जाती है, तो उन लोगों के लिए सतावरी जो है वो बहुत अच्छा टॉनिक के रूप में काम करती है और उन्हें इसके काफी बढ़िया फायदे जो है वो देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके अलावा ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखती है, और अगर किसी को भूख नहीं लगती, खाने की इच्छा सी नहीं करती, तो ये आपकी भूख को भी बढ़ाती है और आप काफी स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों सतावरी के तो और भी बहुत सारे फायदे हैं, अगर बताने लगूं तो वीडियो जो है वो काफी लंबी हो जाएगी। तो फिर चलिए अब बात करते हैं कि इसे यूज कैसे करना है, यानी इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसे आपको 5 ग्राम खाना खाने के बाद गर्म दूध के साथ दिन में 2 बार तक लेना है, यानी आप इसे खाना खाने के 20 या 25 मिनट बाद कुछ इस प्रकार भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको दूध पीना पसंद नहीं है, दूध पीने से कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी स्थिति में आप इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स पाने के लिए इसे दूध के साथ लेना ही फायदेमंद रहता है। तो मैं तो आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप इसे दूध के साथ ही लीजिए, जिससे आप इसके और भी कई गुना फायदे ले पाएं। दोस्तों इसे मेल फीमेल कोई भी ले सकता है, बच्चे भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को देने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि डिपेंड करता है कि बच्चे की उम्र कितनी है। और अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट की, तो अगर आप इसको सही मात्रा में सही तरह से यूज करते हैं तो इसका आपको कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इसको लेने के बाद आपको कोई हेल्थ इश्यू लगता है, पेट में कुछ गड़बड़ वगैरह होती है, या फिर किसी भी प्रकार की एलर्जी देखने को मिलती है, तो आप इसे लेना बंद भी कर सकते हैं, या फिर अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। दोस्तों जाते जाते इतना जरूर कहना चाहूंगा आपसे कि अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान दीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, सुबह एक्सरसाइज करिए, दिन भर सही मात्रा में पानी पीजिए, टाइम पे सोइए और टाइम पे उठिए, और अच्छी नींद लीजिए, जिससे आप सतावर चूर्ण के और भी कई गुना फायदे ले पाएं। तो दोस्तों ये थी इस सतावर चूर्ण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण भरी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अपना कीमती समय इस वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।